किरण किरण बेटा जल्दी आओ ना नीचे। देखो मेहमान आ गए, नजमा अभी तक नहीं आई। मैं जा रही हूँ, बैठी हूँ मेहमानों के पास ड्राइंग रूम में। क्यों परेशान हो रही हैं? मैं नजमा खाला को फोन कर रही थी। बिल्किस खाला आ गई? हाँ अब वो आ गई, मैं उसे ड्राइंग रूम में बिठा के आई हूँ। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो के आ जाओ। क्या बात है? हमारी बेटी कहाँ है? पता नहीं, शायद तैयार हो रही होगी, मैं बुलाती हूँ। हालांकि उसे जरूरत नहीं है तैयार होने की, माशाल्लाह इतनी प्यारी है वो। हो सकता है किसी और काम में लग गई हो, देर हो रही है ना, मैं खुद बुला के लाती हूँ उसे। बहुत जल्दी हार मान गई तुम तो यार, लेकिन मैं लड़ूंगा आखिरी वक्त तक। क्या हुआ अगर हालात आज मेरे मुखालिफ हैं? मैं अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता। मेरा दिमाग तो खराब नहीं होंगे? मेरा रिश्ता तय हो चुका है, मेरी मंगनी है, आज सारे मेहमान मेरे घर पे बैठे हुए। दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ। और देखो जरा हैरान भी हो रहा हूँ कि तुम तो इतनी जल्दी हार गई। मुझे देखो, देखो मेरी आंखों में, मेरी अम्मा अब्बा तक छोड़ दी, वो उस फिराने में जाके रहने लगा, अपनी अपनी जान की परवाह नहीं की मैंने। हमारी इस बारे में बात हो चुकी है, वो लोग मुझे पसंद कर चुके हैं। कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ हो सकता है अगर तुम चाहो तो, अगर तुम चाहो तो। मना कर दो ने। कैसे मना कर दूं? क्या जवाब दूंगी मैं अपनी अम्मी को? बिल्कीस खाला क्या बोली? सारे मोहल्ले को पता है कि मेरी आज मंगनी है। ठीक है, हम कोई भी बहाना कर देंगे, हजार बहाने होते हैं, बस तुम कह दो कि तुम्हें कोई पसंद है, जान छुड़ाओ उनसे। प्लीज, सब कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्लीज। किरण आई अम्मी। खुदा के लिए फवा, खुदा के लिए अभी और इस वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना वो सारे इल्जाम सच हो जाएंगे जो तुम्हारी अम्मा ने मुझ पे लगाए। प्लीज मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। ठीक है, चला जाता, लेकिन वादा करो तुम उन्हें मना करोगी। नहीं फवा, मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती। और अगर अभी अम्मी ने यहाँ तुम्हें देख लिया ना, तो मैं अपनी जान दे। क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मुझसे? हाँ, नहीं करना चाहती मैं तुमसे शादी। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगे तुम? जी अभी किरण, अच्छा मैं खुद ही बुला के ले आती हूँ। नाम करना चाहती हूँ मुझे, हमारी अम्मा ने भी यही किया था, तो ठीक है कर दो बदनाम तुम मुझे। तुमसे मोहब्बत करने की कुछ तो सजा मिलनी ही चाहिए। बदनाम? नहीं, बदनाम करूंगा तुम्हें यार? I think so. ये बात तो तय है किरण, ये बात तो तय है कि मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा, लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि मैं किसी और से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। रिश्ते करने हैं तुमने, 10 रिश्ते करो, एक आध मंगनी भी कर लो, आई डोंट केयर, लेकिन तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। Thank you.
चलो बेटा जल्दी नीचे बोलो। क्या बात है, ये उदासी क्यों? कुछ नहीं अम्मी, आपको छोड़ के जाने का सोचा नहीं था कभी। उन लोगों के सामने जाते हुए ऐसा लग रहा है कि वो लोग ना मुझे आपसे छीन के लेके जा रहे हैं। अरे मेरी गुड़िया, भला किसी की मजाल जो मुझसे मेरी बेटी को छीन ले, हो ही नहीं सकता ऐसा। अच्छा मेरी बात सुनो गुड़िया, ये तो हर बेटी के लिए ना उससे जाना होता है। बस अब उदासी खत्म, मुस्कुराते हुए नीचे चलो। डॉक्टर फहद आप कहाँ चले गए थे बगैर बताए? डॉक्टर अमजद आपको कब से ओटी में बुला रहे हैं, वो बेड नंबर 3 का पेशेंट है ना, उसकी हालत इतनी क्रिटिकल है। अच्छा ठीक है जल्दी आए प्लीज।